ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहां रुद्रप्रयाग के पास एक बड़ा हादसा हुआ है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का उत्तराखंड से आपको बता रहा है, जहां रुद्रप्रयाग के पास ये बड़ा सड़क हादसा हो गया है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, अलकनंदा नदी में एक वाहन गिर गया है। साथ ही आपको बता दें कि हादसे में कई लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 23 यात्रियों को लेकर ये वाहन जा रहा था, जिसमें हादसे में कई लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। वहीं घटना में 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, ये अलकनंदा नदी के पास की तस्वीरें हैं, जहां ये वाहन गिर गया है। बता दें कि घटना में 7 लोगों के घायल होने की खबर है। फिलहाल रेस्क्यू अभियान अभी भी जारी है, लगातार प्रयास किया जा रहा है लोगों को बचाने का, और कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। सीएम धामी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन राहत बचाव कार्य में लगातार जुटा हुआ है, साथ ही घटना के जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। सीएम धामी ने कहा कि ईश्वर दिवंगतों की आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और मृतकों के परिजनों को कष्ट सहने की भी शक्ति दे। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, अलकनंदा नदी में ये वाहन गिर गया है। ये बड़ा हादसा हुआ है, हादसे में कई लोगों की मौत हो गई है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के पास ये बड़ा हादसा हुआ है, अलकनंदा नदी में ये वाहन गिर गया है, और इस हादसे में कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है।